बिहार के खगड़िया जिले में बागमती और कोसी नदी उफान पर है। जिले के दर्जनों गांवों की हजारों आबादी बाढ़ से प्रभावित है। नेपाल के तराई क्षेत्र में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से खगड़िया में बाढ़ का संकट और गहरा गया है। जिले में कोसी और बागमती नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे स्कूल से लेकर घर, सड़क और खेत खलिहान सब पानी पानी हो गए हैं। सैलाब ने कई गांवों को टापू में तब्दील कर दिया है, लिहाजा बाढ़ से प्रभावित लोग अपने घरेलू सामान और अनाज को लेकर ऊंचे स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। कोसी नदी के किनारे बसे खगड़िया प्रखंड के सैकड़ों पर अपने गांव से पलायन करके दूसरी जगह शरण ले रहे हैं। यही हाल मानसी, बेलदौर, अलौली, चौथम और गोमरी प्रखंड का भी है। बाढ़ प्रभावित लोगों की माने तो उनके गांव में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी नुमाइंदा झांकने तक नहीं आया है। साथ ही अभी तक उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिली है। वो लोग भगवान भरोसे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से एक पॉलीथीन भी नसीब नहीं हुई है। पानी में हेल रहे हैं, कुछ नहीं मिला, एक ठो नमक भी नहीं दिया, चूरा भी नहीं दिया, पन्नी भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, नहीं मिला है, कुछ नहीं दिया है, एक ठो नमक तक नहीं दिया, खाने क्या देगा, पानी क्या देगा, व्यवस्था कुछ नहीं है, बेकार बेकार है, सब पानी में हेल रहा है। जांच नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं आया, हम सब बेकार है। पदाधिकारी सीओ और एडीएम आए थे, लेकिन वो सोनमनकी पुल पर से ही लौट गए और यहाँ तक गांव तक कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं आए। वो कहता है कि इतना पानी तो आते जाते रहता है, और सीओ है थोड़ा सा दूसरे तरह का लोग, वो जनप्रतिनिधि जो यहाँ के हमारे माननीय मुखिया हैं उनके और उनमें जो है बात नहीं बन रही है, वो दूसरे तरह से चलाना चाहते हैं। चूँकि ये प्रतिनिधि है तो दूसरे तरह से जनता के हित में ये काम करना चाहते हैं, और सीओ जो है खास करके सरकार के नाकामी को छिपाने के लिए सड़क पर भ्रमण करके लौट जा रहे हैं। समस्या है कि ये टापू जो गांव है, कम से कम समस्या हो गया, बुझगस्का हो गया, सारो हो गया, व्यथा हो गया, उसके बाद जो है उधर मोड़काही हो गया, बलौर हो गया, कमाथान हो गया, ये सुदूर एरिया है। यहाँ जो इस पंचायत में लगभग 8-9-10 जो नाव दिया गया है वो छोटी नाव है, यहाँ कम से कम 2-3 बड़ी नाव चाहिए। उसके बाद जो लोग विस्थापित हो गए हैं, जो बांध पर चले गए, रसों के बांध पर किसान जो मवेशी लेके बांध पर चले गए, उनके लिए भोजन का व्यवस्था होना चाहिए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।